मेरा नमस्ते और हम लोग सितंबर में आए थे महलचौरी और छोटे बच्चों के साथ मैंने उनको कहानियाँ सुनाई, उनके साथ कठपुतली का खेल खेला, तो मुझे उनका उत्साह और उनकी जो खुशी थी वैसे छोटी छोटी चीजें देखकर वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। प्रदूषण रहित ठंडी हवा का एहसास, पलहन सर का उत्साह व प्रेरणा, सुबह की मेडिटेशन व रात की अंताक्षरी में देर तक जगना, उमंग भरे बच्चों के मुस्कुराते चेहरे, न कोई ताले न कोई पहरे, ये कुछ शब्द दर्शाते हैं हमारी मेहलचौरी यात्रा। शिवजी का बागवान सची फूल फूल्या छना, अरे फूल फूल्या छना, हाँ फूल फूल्या छना। कर्वेश्वर हिल स्टेशन तो बहुत होते हैं बट सेलंका और मेहलचौरी का चाव अपना बहुत है। सृजन के बच्चों से शेयर करना चाहता हूँ कि जो गांव को देखकर आए हैं, छोटा सा गांव है जहाँ की ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं, फिर भी वहाँ पर बच्चों ने अपनी प्रतिभा से बड़ा अच्छा काम किया है, कबड्डी में, फुटबॉल में, एथलेटिक्स में, इवन इन एकेडमिक्स उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। सृजन के बच्चे भी जाते हैं, वो भी बड़ा बड़ा कुछ सीख के आते हैं। ये कोलैबोरेशन IQF श्रीलंका और सृजन स्कूल का ये आगे बढ़ता जाएगा। नाम गौरव है, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या मंदिर मेहलचौरी। हमें दिल्ली आकर बहुत कुछ देखने को मिला, जैसे इंडिया गेट, कुतुब मीनार, रेलवे स्टेशन, साइंस म्यूजियम, और हमने बहुत कुछ सीखा जो हमने आज तक नहीं सीखा था। सृजन स्कूल और IQF के द्वारा हम दिल्ली पहुँचे। पढ़ने से ही कुछ नहीं होता बल्कि हमें प्रैक्टिकल करने से बहुत कुछ होता है और हमें यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा। जो ये IQF और सृजन स्कूल दिल्ली द्वारा जो कि एक्सचेंज प्रोग्राम रखा गया है, वास्तव में ये बच्चों के विकास के लिए, इससे हमारे बच्चों को, हमारे विद्यालय को बहुत लाभ मिला है। आज हमारे बच्चों ने प्रैक्टिकली जो चीज़ें उनको ऑन ग्राउंड नहीं मिल पाती थी, दिल्ली में आकर के वो सब उनको